será até. वाओ, सुनिए जी, आपने उस ब्रोकर को घर दिखाने कहा था या राजमहल दिखाने? वो क्या है, मैं इनकम टैक्स में हूँ ना, उसे लगा होगा मैंने बहुत पैसे कमाए हैं। दीदी, उसे असलियत पता होती तो हमें यह घर वो बिल्कुल नहीं दिखाता। चलो चलो वापस चलते हैं। पापा, हम इतने दूर तक आए हैं, घर के अंदर चलकर देखते हैं प्लीज। इतना सुंदर घर है पापा, प्लीज ना। चलो देखते हैं, देखने में क्या है। अरे अरे भाग मत, गिर जाएगा। नहीं गिरूंगा माँ। अरे बाप रे बाप, क्या बात है, जंगल के बीच में इतनी आलीशान हवेली, वाह। सुनिए जी, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। सुपर्ब, कितना सुंदर घर है। घर तो अच्छा है, लेकिन डर सा क्यों लग रहा है? डर तो मुझे भी लग रहा है। तुम्हें तो पहले से ही घर देखना पसंद नहीं है, ये घर खाली है, कोई रहता नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। आ जाओ, महल से कम नहीं है ये घर। अभी अभी तू कह रही थी कि तुझे ये घर पसंद नहीं है, और अब आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। ये क्या है? सुनिए जी, यहाँ ये तो ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। कहाँ अभी? आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आ जा। ये क्या है अभी? तो क्या छोटा बच्चा है, कुछ ना कुछ करता रहता है, हम लोग डर गए ना। तुम डर गई थी, मैं नहीं। इस बेचारा ने कुछ जानबूझकर थोड़े ना किया था। वो सब रहने दीजिए, मुझे इस घर में कदम रखते वक्त बड़ा अजीब सा लगने लगा था। ये घर हमारे लिए मनहूस है। तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती रहती हो? ये घर हम लेने जा रहे हैं क्या? नहीं ले रहे ना? चोट वोट तो नहीं लगी ना? तुम करने क्या गए थे वहाँ पर? मैं देखते देखते पीछे गया और सडनली ऊपर चला गया। मैं इस वजह से बहुत डर गया था पापा, इसलिए आप लोगों को आवाज दी। चलो अब जाने दो उसे, किसी चीज को हाथ मत लगाना। हाँ अरे रे, मैंने टाइम दिया था वो तो खत्म हो गया। माँ, हाँ? मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ जाकर, हम लोग नीचे बैठे हैं। हाँ ओके। बहुत देर हो गई है, अनु कहाँ रह गई? रुकी, मैं जाकर देख कर आती हूँ। पार्वती तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ कर तुम थक जाओगी। पापा, पापा! अनु, अनु, पापा! अनु, पापा, बिच्छू है पापा। बिच्छू कहाँ? इधर डोर पर। गया क्या?
देखकर बताओ मुझे। नहीं गया। नहीं गया? कहाँ है बिच्छू? दिखा। उधर। बिच्छू से भी कोई डरता है क्या? चलो चलो आ जाओ। आज नसीब ही खराब है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं यार, मुझे दिखाई देना भी बंद हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी पापा। रॉकेट, ओपन कर तेरी गाड़ी का जैकेट। अरे वाह, अब कुछ भी करो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। रॉकेट, इतने दिनों तक मेंटेन किया हुआ रात वाला तेरा सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। मैं बहुत डर गई थी, वो बिच्छू काफी बड़ा था पापा। डरने की क्या बात है बेटा, अभी अच्छा करना, यहाँ से निकलना है बस। आराम से सर, जल्दी आकर बैठ जाइए सर, मुझे एक जगह और जाना है, बेचारा कस्टमर मेरा वेट कर रहा होगा। चलो। अरे वाह, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और अब क्या हुआ यार? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है सर। पर उधर किसको देखकर बात कर रहा है तू? अरे बाप रे सर, गर्दन में स्लिप डिस्क है सर, स्लिप डिस्क है। अब ऐसे ही बैठकर बकबक करता रहे, अरे नीचे उतर कर देखो ना कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। ए, तुझे ही बोल रहा हूँ मैं। सर, इस कान से आपकी बात सुन रहा हूँ सर। सब लोग कान से ही सुनते हैं, अब जरा उतर कर देखो प्रॉब्लम क्या है। सब करके हो गया है सर। क्या? सब चेक कर लिया है सर, अभी तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। रात को यहीं रुकते हैं, सुबह जल्दी उठकर गाड़ी रिपेयर करके निकल लेंगे सर। नेटवर्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते अब तो। पार्वती, हमें यहीं रुकना पड़ेगा लगता है। हे भगवान, रात भर यहीं रुकना पड़ेगा? नहीं जी, इस घर से मुझे बहुत डर लगता है पापा। पार्वती, अब इस तरह की बेकार की बातें करके बच्चों को मत डराओ तुम। चलो उतरो अब। इडियट। स्टुपिड। आज इस मनहूस घर में रात गुजारनी पड़ेगी, लेकिन क्या करें? जाने की कोशिश की लेकिन यहीं रुकना पड़ा। इनहेलर लाए हो क्या? बैग में होगा बेटा। देखो ना है कि नहीं, देखो। दीदी अकेली रहेगी, तू भी वहां जाके सो जा बेटा। माँ, बहुत भूख लगी है। सॉरी बेटा, आज के दिन तू एडजस्ट करना, कल जब हम यहाँ से निकलेंगे तब रास्ते में कुछ खा लेना, ठीक है? अभी जाके सो जा बेटा। गुड नाइट माँ, गुड नाइट पापा। गुड नाइट। अनु, दरवाजा खोलो। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? दीदी, मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ, डायनो। तेरा बहुत हुआ नाटक। वैसे ये नाइटी कहाँ मिले तुझे? ये नाइटी मेरी है। ए डरपोक, बत्ती गुल हो गई। बत्ती गुल नहीं तो ऑन होगी क्या? इतना छोटा सा मजाक किया,
और तू इतना डर गया। अनु चिल्ला रही है। अनु 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 दोनों तो यही सोए थे ना। हाँ? शायद बगल के कमरे में होंगे, देखते। अनु ऐसे क्यों बैठी हुई है बेटा? बलराम इतना पावरफुल है, उसके पीछे उसके वो तीन खास लोग हैं जो उसके साथ काम करते हैं, जो उसके बैकबोन हैं। उसमें पहला है राणा। वो चीते की तरह भागता है और चील की तरह उसकी नजरें हैं। जैसे शतरंज के खेल में राजा के साथ हमेशा मंत्री रहता है, ठीक वैसे ही बलराम के साथ ये राणा रहता है। He is very, very dangerous criminal. दूसरा है बशीर, मसल मैन। हाथी की तरह ताकतवर है वो। राणा अगर बलराम का राइट हैंड है तो बशीर लेफ्ट हैंड। और तीसरा है कृष्णा, मतलब छोटे कृष्णा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी भी ताले को आसानी से खोल देता है। कोई कुछ सोचे उससे पहले ही ताला खुल जाता है।
उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है लड़के। बलराम को लड़की और दारू यही कृष्णा सप्लाई करता है। यहाँ तुम लोग क्यों आए हो? हम यहाँ आएंगे ऐसा तूने सोचा भी नहीं था ना? हमने भी ऐसे तू आएगा राइड करेगा ऐसा सोचा भी नहीं था। बुरे लोगों से पंगा लेगा तो अंजाम क्या होगा ये भाई ने तुझे बताया था ना, वही दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तू डरा रहा है मुझे? जब तू हमारे घर आया था तब हम ऐसे ही चुप बैठे थे, अब तू भी चुप बैठेगा ना?